नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नोटिस जारी हुआ है जिसके बाद वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी दोस्तों नींद उड़ी हुई है। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है वो आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से खलबली सभी विभागों में लागू। ऑफिस से दोस्तों गैर हाजिर यानी कि ऑफिस नहीं आने वाले की अब सीधे नौकरी जाएगी, बचाने वाले ऊपर भी होगी कार्रवाई। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई देखिए क्या है पूरा मामला। सरकारी नौकरी को तफरीन समझने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की अब खैर नहीं। आदतन और गैर हाजिर रहने वाले या बिना बताए लंबे समय तक काम पर नहीं आने वालों पर अब सख्ती होगी। उनके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। 6 महीने के अंदर ही जांच के बाद एक्शन ले लिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उनकी पेंशन में भी कटौती हो सकती है, नौकरी भी छीनी जा सकेगी। यहाँ तक कि अगर ऐसे कर्मचारियों को विभाग प्रमुख ने बचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लगभग 4.5 लाख अफसरों कर्मियों के लिए इसे अलार्मिंग माना जा रहा है। शासन ने ये भी तय किया है कि 1 महीने या उससे ज़्यादा समय तक यदि कोई अफसर कर्मी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उनकी इस तरह की गैरहाजिरी को सभी उद्देश्यों के लिए सेवा में व्यवधान माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की छुट्टी भी मंजूर नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध नियमों के तहत दीर्घशस्ति के लिए विभागीय जांच करवाई जाएगी। विभागीय जांच का निपटारा भी 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को नौकरी से हटाने की शास्ति दी जाएगी। 1 महीने से ज़्यादा अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को उनके गैर हाजिर रहने के दौरान उनके घर के पते और अंतिम ज्ञान पते यानी कि आखिरी बार उनके रहने की जहां की जानकारी थी दोनों ही जगह पर नोटिस भेजी जाएगी। इस नोटिस का उन्हें 15 दिनों में अनुपस्थित रहने का कारण बताते हुए जवाब भी देना होगा। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में ये नियम जो है लागू हो रहा है। 3 साल से अनुपस्थितियों की सेवा समाप्त। GAD ने एक और कड़ा कदम उठाया है। उसने 3 साल या उससे ज़्यादा समय तक गैर हाजिर अफसरों कर्मचारियों की नौकरी से हटाने का फरमान भी जारी किया है। कार्यालय प्रमुखों को उनके निर्देशों का कड़ाई से पालन ना करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इसके लिए 31 मई तक का वक्त दिया गया। इसकी रिपोर्ट भी शासन से मांगी जाएगी। एक्शन का प्रावधान मूलभूत नियम 18, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1956, नियम 7, नियम 27, पेंशन नियम 76 एवं सपठित मूलभूत नियम 17।